नमस्कार, हिमाचल अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सीएम सुक्खू ने पेश किया हिमाचल का 13,141 करोड़ का अनुपूरक बजट, कल होगा पारित। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में गतिरोध, सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल विधानसभा में 2 अध्यादेश पेश, नगर निगम संशोधन और जल विद्युत उत्पादन पर सेस वसूली के बिल। हिमाचल में आज से ई कचरा खरीदा जाएगा, 25 मार्च तक चलेगी ड्राइव, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड खरीदेगा, गार्बेज में शामिल की गई 125 आइटम। शिमला एमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया घोषणा पत्र समिति का गठन। हमीरपुर के देवसिद्ध में चैत्र मेला शुरू, डीसी ने झंडा रस्म अदायगी के साथ किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वर्ष 2022-2023 का 13,141.07 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट सदन में प्रस्तुत किया। इस पर बुधवार को चर्चा होगी, उसके उपरांत इसे पारित किया जाएगा। सदन में सीएम द्वारा पेश अनुपूरक बजट में 1,433.39 करोड़ रुपए सेंटर की स्कीमों और 11,707.68 करोड़ रुपए स्टेट की योजनाओं में रखे गए हैं। सेंटर की स्कीमों के तहत अधिकतर राशि नई विकास योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई, जिनके लिए केंद्र से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले ही दिन मंगलवार को करीब 12:15 बजे स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, तो विपक्ष ने इसे शुरू में ही बाधित किया। बीजेपी विधायकों ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने व इस पर चर्चा मांगी। काफी देर हंगामे के बाद सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सदन में विपक्ष ने कहा कि सारा काम रोक कर इस पर चर्चा की जाए कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा क्यों रोका गया है। इससे सदन में दोनों पक्षों में खूब नोकझोंक हुई। इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपनी बात कहने उठे, तो उनके वक्तव्य के बीच विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी की। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश और हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर सेस वसूली के 2 ऑर्डिनेंस पेश किए। ये दोनों ऑर्डिनेंस सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में पेश किए। नगर निगम संशोधन विधेयक के पेश होने के बाद अब शिमला नगर निगमों में वार्डों की संख्या 34 रहेगी। इसके अलावा प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों से वाटर सेस वसूला जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 पेश किया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आज से लोगों से उनके घर में पड़ा ई कचरा खरीदेगा, इससे लोग भी अच्छी कमाई कर सकेंगे। बोर्ड आज से ई कचरा कलेक्शन अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत बोर्ड लोगों से ई वेस्ट कलेक्ट करेगा और लोगों को उसके बदले पैसा देगा। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। अभियान के तहत आज प्रदेश सचिवालय में कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा। प्रदेश सचिवालय और आसपास के लोग अपने घर का ई वेस्ट यहाँ जमा कर सकेंगे। बोर्ड लोगों से बेकार हो चुके मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, नोटपैड, टैबलेट, प्रिंटर, पावर कार्ड, केबल, सर्वर मॉडम, सीपीयू, सीआरटी, मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर सहित 124 वेस्ट आइटम खरीदेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनावों के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि 8 सदस्य कमेटी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अतिरिक्त ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर, मुख्य संसदीय सचिव आशीष पुटेल, शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था, फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया व गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित उत्तर भारत के प्रमुख सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिद्ध में चैत्र मास के मेले आज से शुरू हो गए हैं।
डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने झंडा रस्म पूरी कर चैत्र मेलों का शुभारंभ किया। देवोत्सिद्ध में आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा बालकनाथ मंदिर महंत राजेंद्र गिर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इससे पूर्व डीसी हमीरपुर ने विधिवत पूजा अर्चना कर आहुतियां डाली। 13 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र मेलों के पहले दिन मंगलवार को ही हजारों श्रद्धालु बाबा के दरबार दर्शनों के लिए पहुंचे। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।